हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस इवनिंग शिफ्ट के पेपर से लिए गए हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में भी लिखकर ज़रूर बताइए। आपका पहला क्वेश्चन है, श्रीकंठ के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो इसमें आंसर होगा श्रीकंठ के नाम से या श्रीकंठ जनपद के नाम से हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ की लिपि कौन सी है? तो इसमें आंसर होगा अशोक स्तंभ की लिपि है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आंसर होगा भाखड़ा बांध का जनक चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर सिंह फोगाट को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया? तो इसमें आंसर होगा महावीर सिंह फोगाट को भारत सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया। महावीर सिंह फोगाट हरियाणा के बलाली गांव से संबंधित है और ये गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता हैं। हाल ही में दंगल फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट की भूमिका निभाई थी। खेलों से संबंधित हम एक वीडियो बना चुके हैं जिनमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप खेलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। ये क्वेश्चंस भी हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर होगा मनोहर ज्योति योजना सौर प्रकाश प्रणाली से संबंधित है। इसमें आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनोहर ज्योति योजना के तहत हरियाणा सरकार कितनी सौर प्रकाश प्रणाली लगाएगी? तो इसमें आंसर होगा 1,00,000 सौर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर का पद छोड़ा था? तो इसमें आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर का पद लाला मुरलीधर ने छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसमें आंसर होगा क्षेत्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष बलवंत तायल को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला का प्राचीन नाम क्या था तथा इसकी स्थापना किसने की? तो इसमें आंसर होगा अंबाला का प्राचीन नाम था अम्बवाला और इसकी स्थापना अम्ब के राजपूत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसमें आंसर होगा सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है तो इसमें आंसर होगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल कभी नहीं थे? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के प्रमुख लाभार्थी कौन है? तो इसमें आंसर होगा बालिका विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी दलेल सिंह। दलेल सिंह एक वॉलीबॉल के खिलाड़ी है ना कि क्रिकेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने लंदन ओलंपिक 2012 में कोई भी पदक नहीं जीता? तो इसमें आंसर होगा कृष्णा पुनिया ने 2012 लंदन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी 2,53,51,462। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई? तो इसमें आंसर होगा बेरोजगारी भत्ता योजना
1 नवंबर 2005 को शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? तो इसमें आंसर होगा बालिका शिशु वर्ष 2006 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? तो इसमें आंसर आएगा ठाकुर फेर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नौकरी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक थे? तो इसमें आंसर होगा हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक थे बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था? तो इसमें आंसर होगा 1983 में, और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आंसर होगा कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आंसर होगा पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म जज्जर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आंसर होगा पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो इसमें आंसर होगा नवीन जिंदल का जन्म हिसार जिले में हुआ था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुँच सकें।